कैसे आप सर? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया। आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है क्यों? क्योंकि आज हम दुनिया के सबसे खुशहाल देश की तो बात करने वाले हैं। And I'm sure इस देश के बारे में जानकर आप भी खुश हो जाओगे। ये कैसा देश है जिसकी आबादी सिर्फ 55 लाख है, लेकिन इन्होंने दुनिया को जीने का तरीका दिखा दिया है। अगर आप कॉफी पीने के शौकीन है तो इस देश में जरूर जाइए। एक ऐसा देश जहाँ सब कुछ फ्री है लेकिन इंसानियत की कीमत है। एक ऐसा देश जहाँ प्रकृति ने जमकर प्यार बरसाया है। इस देश को कहा जाता है कंट्री ऑफ लेक्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिनलैंड देश के बारे में, जिसकी हर एक बात निराली है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशमिजाज देश है। 2019 में ये सबसे हैप्पी कंट्री बना था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग बड़े मजाकिया होते हैं और इनके अंदर किसी के लिए कोई जलन जैसी धारणा नहीं होती है। सब कमाते हैं, सब खाते हैं, हमें भी बिल्कुल यही सोच रखनी चाहिए, तभी तो हम खुश रह पाएंगे, है कि नहीं दोस्तों? वैसे आपको बता दूं कि इस देश में सब कुछ फ्री है। जी हाँ, अगर आप फिनलैंड देश के निवासी हैं तो आपको किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ एजुकेशन से लेकर मेडिकल सब फ्री है। सबका ख्याल यहाँ की गवर्नमेंट रखती है। लोग इतने कम हैं इसलिए फ्री देने में दिक्कत ही क्या है। फिनलैंड देश में कुल 1,87,888 झीलें हैं, जो इसे दुनिया में सबसे ज्यादा झीलों वाला देश बनाता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि देश की कुल आबादी मात्र 55 लाख है और इस देश में तकरीबन 2 लाख झील है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। दोस्तों फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और इसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि हेलसिंकी में सबसे ज्यादा झीलें हैं। दोस्तों फिनलैंड देश के लोग अपने देश के नियम कानून को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। इस देश में कोई भी नियम कानून नहीं तोड़ता। अगर आपने यहाँ स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने की कोशिश की तो समझ जाइए कि आपको मोटा फाइन भरना पड़ेगा। और एक और बात दोस्तों, यहाँ चालान आपकी सैलरी पर निर्भर करता है, मतलब कि आपकी जितनी सैलरी उतना बड़ा चालान। फिनलैंड के लोग बहुत स्पोर्टिव ही होते हैं, तभी तो यहाँ अलग अलग तरह के खेल खेले जाते हैं। दोस्तों यहाँ एक बहुत ही पॉपुलर कॉम्पिटिशन होता है, जिसमें सारे पति अपनी पत्नी को कंधों पर बैठा कर रेस लगाते हैं। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि जो विनर होता है उसे प्राइज में उसकी पत्नी के वजन के बराबर बियर दिया जाता है। कॉम्पिटिशन जीते और खूब बियर पिए। आपने शायद देखा होगा इस गेम को दम लगा के हैशा फिल्म में। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ एक और खेल बहुत पसंद किया जाता है। फिनलैंड में हर रविवार के दिन लोग अपनी कॉलोनी में या शहर में मच्छर मारने की प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। जो सबसे ज्यादा मच्छर मारता है उसे द किंग ऑफ मॉस्किटो किलर के नाम से जाना जाता है। भाई हमारे यहाँ भी इस तरीके का कोई खेल होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ यार इतने मच्छर है, परेशान करके रखते हैं सबको। दोस्तों फिनलैंड देश में एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है। यहाँ किताबों से लेकर आपके स्कूल ड्रेस तक सब कुछ सरकार देती है, लेकिन पढ़ाई करना हर किसी के लिए अनिवार्य है। आपको जानकर खुशी होगी कि जो यहाँ पीएचडी कर लेता है उसे पूरे शहर की तरफ से शाबाशी दी जाती है। छोटा देश होने के यही सब फायदे होते हैं, बात बात पर शहर या कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों फिनलैंड देश के लोग कॉफी बहुत पसंद करते हैं। यहाँ आपको तकरीबन 76 तरह की अलग अलग कॉफी मिल जाती है। लेकिन सबसे यूनिक बात यह है कि यहाँ एक इंसान एक साल में 12 किलो कॉफी खत्म कर देता है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप कभी भी फिनलैंड देश जाना तो यहाँ तरह तरह की कॉफी जरूर ट्राई करना। दोस्तों फिनलैंड के लोग म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ आपको हर घर में कोई ना कोई म्यूजिशियन मिल जाएगा। आपने हेवी मेटल बैंड के बारे में तो सुना ही होगा। यहाँ के लोगों के बीच ये जॉनरा बहुत पॉपुलर है। आपको बता दूं कि फिनलैंड का एक हेवी मेटल बैंड है लॉर्डी, जिसने हार्ड रॉक हालेलुया गाना परफॉर्म कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आपने ये गाने कभी सुना है क्या? अगर नहीं तो एक बार जरूर सुनिएगा, कान से धुएं निकाल देगा। दोस्तों अभी बात हुई थी कि फिनलैंड के लोग सबसे ज्यादा कॉफी पीते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ के लोग सबसे ज्यादा दूध भी पीते हैं। मिल्क पर कैपिटा के हिसाब से फिनलैंड के लोग सबसे ज्यादा दूध पीने वाले लोग हैं। वैसे यहाँ दूध की क्वालिटी भी सुपर से भी ऊपर होती है। फिनलैंड में जो दूध प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां हैं वो दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों इस देश में गाड़ियां कम है और सौना ज्यादा है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि भाई ये सौनाज क्या है? दोस्तों ये एक प्रकार की बॉडी थेरेपी होती है, जो कि फिनलैंड देश के लगभग हर घर में आपको मिल जाएगी। यहाँ हाई टेम्परेचर पर बॉडी को ट्रीटमेंट देते हैं और इसके बाद लोग बहुत रिलैक्स और फ्रेश फील करते हैं। अगर आपको भी सौना ट्राई करना है तो आप इंडिया के किसी भी बड़े शहर में जाकर ये कर सकते हो। ज्यादातर अच्छे जिमों में भी आपको ये सुविधा मिल जाती है। दोस्तों फिनलैंड के लोग चॉकलेट और कैंडी खाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ एक स्पेशल टाइप की कैंडी आती है जिसका नाम है सेल्मियाकी, जो कि कई सारे फलों को सुखा कर बनाया जाता है। ज्यादातर लोग शाम के समय इस कैंडी को जरूर खाते हैं। दोस्तों ये देश सबसे ज्यादा खुशहाल है, ये बात तो आप जान गए, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी बड़ी वजह क्या है? ये चीजें आपके क्यों यहाँ इतनी खुशहाली होगी? पॉपुलेशन तो है ही कम, लेकिन दोस्तों यहाँ 0% करप्शन है। जी हाँ, यहाँ आज तक घोटाला नामक दीमक की एंट्री नहीं हुई है। अब आई होप कि यह बीमारी कभी ना आए, नहीं तो खुशहाली कब तबाही में बदल जाए ये हमसे बेहतर कौन जानता होगा। दोस्तों फिनलैंड के पासपोर्ट को दुनिया का चौथा सबसे बेहतरीन पासपोर्ट माना जाता है। मतलब ये है कि यहाँ के लोग दुनिया के बहुत सारे देश बिना वीजा लगाए ही जा सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जर्मनी, सिंगापुर और जापान के लोगों का पासपोर्ट इस लिस्ट में टॉप पे है।
दोस्तों पढ़े लिखे देश की निशानी ये होती है कि उस देश में पुरुष और महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलता है। फिनलैंड यूरोप का सबसे पुराना देश है जहाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार यूरोप में सबसे पहले मिला था। जानते हैं कब? 1906 में। दोस्तों यहाँ साल में तकरीबन 9 महीने ठंड होते हैं और इस दौरान औसतन टेम्परेचर -5 डिग्री होता है। तो अगर आप ठंड के मौसम में फिनलैंड जाना चाहते हैं तो गर्म कपड़े अपने साथ जरूर लेके जाएं, नहीं तो ठिठुर जाएंगे। आपको बताएं कि यहाँ अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान -55 डिग्री आंका गया। दोस्तों हमारी पूरी टीम बड़ी मेहनत करती है आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उन पर वीडियो बनाने और आपके सामने लाने के लिए। तो इस वीडियो पर अगर आपका एक लाइक मिल जाए तो हमारी पूरी टीम को जबरदस्त इंस्पिरेशन मिलेगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपने बर्गर किंग रेस्टोरेंट के बारे में तो सुना ही होगा, कई वहाँ से बर्गर भी खा चुके होंगे, लेकिन जो बर्गर किंग फिनलैंड की कैपिटल सिटी हेलसिंकी में है वो सबसे अलग है, क्योंकि वहाँ आपको बर्गर के साथ सोना का भी आनंद मिलता है और वो भी फ्री में। दोस्तों क्या आपको पता है फिनलैंड देश से पैदल ही नॉर्थ कोरिया चल के जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको रूस को क्रॉस करना होगा। तो क्या सोचा आपने, रूस तक जाकर वहाँ से पैदल ही एंट्री ले ली जाए इस खुशहाल देश में। दोस्तों कॉफी और मिल्क के बारे में तो आपको पता चल ही गया कि यहाँ के लोगों के बीच में ये दो चीजें काफी पॉपुलर है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि यहाँ के लोग जमकर शराब भी पीते हैं। कहा जाता है कि वीकेंड की शुरुआत से लेकर संडे इवनिंग तक यहाँ खूब पार्टी होती है, होटलें खुलती है और ठंड भी है इस देश में, तो यार बनता है इनका। वैसे दोस्तों बॉटल से याद आया है कि इस देश में 98% प्लास्टिक की बॉटलों को रिसाइकिल किया जाता है, जबकि 100% शीशे की बॉटलों को भी रिसाइकिल करते हैं। ये सब छोटे देश के लोगों के बीच में अच्छी आदतें होती है, हमें भी इनसे कुछ कुछ सीखने की जरूरत है। वैसे बॉटल खाली करना नहीं रिसाइकिल करना, खाली करना तो वैसे ही हम सीख चुके पहले। दोस्तों वैसे भी फिनलैंड देश में किसी के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, तभी तो इस देश का क्राइम रेट भी ऑलमोस्ट जीरो है। आपको ये जानकर आश्चर्य जरूर हो सकता है कि यहाँ की जेलें सफाई और खाने के मामले में दुनिया की सबसे बेहतरीन जेलें होती हैं, बिल्कुल 5-star टाइप। दोस्तों हमारे देश में आपने देखा होगा कि जब बच्चा 3 साल का होता है उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन फिनलैंड देश में ऐसा नहीं है। वहाँ 7 साल से पहले कोई भी अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकता। यहाँ की सरकार का मानना है कि शुरुआती 7 सालों में ही बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ऐसे में बच्चों का घर पे रहना, मम्मी पापा के साथ मस्ती करना, दोस्तों के बीच में खेलना पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। दोस्तों फिनलैंड बहुत ही डिफरेंट कंट्री है, अब यकीन नहीं करेंगे लेकिन यह सच है कि यहाँ 23 घंटे तक कई बार सनलाइट रहती है। जी हाँ, वहीं कई ऐसे भी इलाके हैं जहाँ 50 दिनों तक रात होती नहीं। दोस्तों फिनलैंड में आप अपने पालतू जानवर को कभी भी बेच नहीं सकते। जी हाँ, यहाँ का रूल है कि अगर आप एक बार किसी जानवर को पालना शुरू कर दिया तो आपको उसे हमेशा के लिए अपने साथ ही रखना होगा। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा नियम है, एनिमल लवर्स यकीनन ये रूल सुनकर बहुत खुश होंगे। दोस्तों फिनलैंड के लोग बहुत हेल्दी होते हैं, यहाँ औसतन पुरुषों की उम्र होती है 82 साल जबकि महिलाएं 84 साल जीती हैं, 2 साल ज्यादा। साथ ही इस देश में बीमारियां भी 9 के बराबर है। अभी तो मैंने आपसे कहा था कि भले एक छोटा सा देश है लेकिन जिंदगी कैसे जीनी चाहिए वो इनसे सीखे। दोस्तों पॉपुलेशन कम होने के बहुत सारे फायदे होते हैं, देखिए ना इस देश में सिर्फ 55 लाख लोग रहते हैं और यहाँ 40 लाख गाड़ियां हैं, जिसकी वजह से यहाँ पॉपुलेशन नाम की कोई चीज नहीं है। शुद्ध हवा के लिहाज से ये देश 3rd नंबर पर है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड देश में एक ऐसा गोल्फ कोर्स है जिसका आधा हिस्सा फिनलैंड में है और आधा स्वीडन में। ये दो देशों के बीच दुनिया का एकमात्र गोल्फ कोर्स है। फिनलैंड देश में एक और बहुत ही अजीब और गरीब खेल खेला जाता है, यहाँ के लोग अपना मोबाइल फेंक कर भागते हैं और जो जीतता है वो उस रेस में हिस्सा ले रहे किसी एक का मोबाइल चेक कर उसकी पूरी जानकारी निकाल सकता है। फनी है काफी, आपके बहुत सारे राज खुल सकते हैं इसकी वजह से। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक समय भारत में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मोबाइल कंपनी नोकिया कहाँ की? जी सही सोचा आपने, ये फिनलैंड की ही कंपनी है। इतना ही नहीं, एंग्री बर्ड भी फिनलैंड की कंपनी ने बनाया है। दोस्तों हमारे देश में जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड की जनसंख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार यहाँ ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कपल्स को $1,000 पर मंथ देती है। दोस्तों फिनलैंड में नेशनल स्लीपी डे भी मनाया जाता है, इसमें परिवार का जो सदस्य सबसे लेट सोकर उठता है उसे बाकी परिवार के लोग मिलकर नदी के पानी में गिरा देते हैं, वो भी ठंडे पानी में। दुनिया के सभी ट्रैवल स्पोर्ट्स का मजा फिनलैंड में ले सकते हैं, जैसे कि ट्रेकिंग, आइस हॉकी, आइस जंपिंग, साइकिलिंग, बॉक्सिंग, वॉटर रेस आदि। फिनलैंड के लोग वर्किंग आवर्स के दौरान आपको किसी चौक चौराहे पे गप्पे मारते नहीं नजर आएंगे, यहाँ काम का मतलब काम होता है। हमारे देश में भी अब चीजें बदल रही हैं, नहीं तो पहले सरकारी दफ्तर में काम कम और चाय पीना पान खाना ज्यादा होता था। दोस्तों फिनलैंड में सफाई को लेकर लोग बहुत सीरियस होते हैं, अगर आप फिनलैंड कभी जाएं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ किसी के घर आप जूता चप्पल पहनकर अंदर न घुसें, यहाँ के लोग इसे खराब व्यवहार मानते हैं। हालांकि हमारे देश की भी प्रथा है लेकिन कई लोग समझते नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है फिनलैंड का वीजा प्रोसेस और फिनलैंड घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 15 दिन के अंदर मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको फिनलैंड घूमने के लिए 9 से 10 दिन में लगभग 1,70,000 रुपए खर्च करने होंगे।
फिनलैंड की करेंसी है यूरो, जिसकी वैल्यू है लगभग 86.50 भारतीय रुपए के बराबर। तो दोस्तों ये था झीलों का देश फिनलैंड। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।